आज ही हमने कमर्शियल तरीके से छल्ली के दाने बॉईल किए हैं, किस तरह तैयार किए हैं, क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं और साथ में इसका मसाला भी तैयार किया है। इस वीडियो में आपको मिलेगा मसाले की रेसिपी भी और छल्ली के दाने उबालने या छलियों को उबालने की रेसिपी जो कमर्शियल तरीका है, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, साथ साथ रहिएगा, एंड तक देखिएगा क्योंकि मुझे वॉच टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा आपने वीडियो को लाइक भी करना है ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। प्यार प्यारे कमेंट्स करके आपने मुझे बताना है वीडियो आपको कैसी लग रही है। नए आने वाले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए आइए तैयार करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से हंसते मुस्कराते खुशोखुर्रम होंगे। आज बड़ी ज़बरदस्त और बच्चों की फेवरेट सी रेसिपी है, ऐसे तो बड़े भी शौक से खाते हैं। तो मकई के दाने हैं, सभी बॉईल करते हैं या भून के खाते हैं, पॉपकॉर्न बनाकर खा लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसकी बॉईल करने की कमर्शियल रेसिपी दे रही हूँ कि किस तरीके से कमर्शियल तरीके से हम इसको बॉईल कर सकते हैं। ये 2 किलो छलियाँ थी, उसके दाने निकालनी है, बाल वगैरह अलग करनी है और धोना नहीं है आपने इसको, ठीक है, क्योंकि कुदरती तौर पर इसके ऊपर पर्दा होता है जो इसको वैसे ही पहले से महफूज होती हैं ये। तो 2 किलो छलियों के जितने दाने निकले हैं ये मेरे पास मौजूद हैं और हम इसको बॉईल करेंगे कुकर में, ठीक है। अगर आप प्रेशर कुकर में इसको बॉईल करते हैं तो तकरीबन 25 से 30 मिनट लगेंगे, ठीक है। वैसे आप अपने कुकर को ज़्यादा बेहतर जानते हैं और अगर आप इसको कुकर के बगैर किसी देचके में किसी चीज़ में इसको बॉईल करते हैं तो आपको तकरीबन 1.5 घंटा लग सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसमें क्या चीज़ें शामिल करेंगे बॉईल करने के लिए? तो तकरीबन 2.5 लीटर पानी मैंने यहाँ पे रखा है और यहाँ पर 1 चाय का चम्मच जो है 1 टीस्पून जो है नमक शामिल कर रही हूँ मैं, ठीक है जी। और यहाँ पर तकरीबन 1 खाने का चम्मच मैं डालूँगी ऑयल या घी, इससे जो है ना सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा आ जाएगी, बहुत मज़े के लगेंगे, टेस्ट बढ़ जाएगा। और यहाँ पर 2 टेबल स्पून तकरीबन दूध शामिल कर रही हूँ मैं, इससे जो है ना सॉफ्टनेस और टेस्ट दोनों बढ़ जाएंगे, ठीक है जी। अब मैंने रख दिया है इसको, सब चीज़ें डाल दी हैं, नमक ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, और इसके अलावा दूध डाल दिया है 2 टेबल स्पून और 2.5 लीटर पानी है। 2 किलो छल्ली के दाने हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें शामिल कर दिए। अब हम इसको बंद कर देते हैं कुकर को और कुकर को तकरीबन हम 25 से 30 मिनट के बाद खोलेंगे, फिर मैं आपको मसाला भी तैयार करना सिखाऊंगी कि हम इसको किस तरह किस मसाले के साथ खा सकते हैं। तो चले मिलते हैं हम तकरीबन 25 से 30 मिनट के बाद। अच्छा जी, कुकर बंद करने से पहले मुझे एक बात याद आ गई तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर लूं कि ये जो ऑयल या घी हम इसमें डालते हैं जब हम कुकर में पका रहे होते हैं, दालें हों या फिर मकई के दाने हों, तो इससे एक फ़ायदा ये भी होता है, एक तो टेस्ट बढ़ जाता है और एक फ़ायदा ये होता है कि कुकर के ढक्कन के अंदर जो वॉल्स होते हैं उसके सुराख होते हैं उसमें उबल की चीज़ जो है ना वो फंसती नहीं है, तो कुकर जो है ना वो महफूज हो जाता है। तो छली के दाने भी जो है ना वो आपके कुकर की वॉल्स में फंसेंगे नहीं, तो बेफिक्र होकर उबालिएगा। तो कुकर को फिर बंद करते हैं और फिर मिलते हैं जी। तकरीबन 1/2 घंटा हो गया है तो हम अब वेट को उठा देते हैं, हमने स्टीम निकलने दी है और अब हम जो है ना इसको खोलते हैं। जी कुकर को खोल लिया है, देखें पानी कितना खर्च हुआ है, मैंने मज़ीद 10 मिनट इसको चलाया है, 40 मिनट में ये गले हैं। और ये देखें मैं आपको जो है ना दबा के दिखाती हूँ इसका दाना, ये देखें ठीक है, इस तरह ये गल चुके हैं। तो हम इसका पानी ड्रेन कर देते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ और मसाला भी बताती हूँ आपको। अच्छा जी, पानी निकाल लिया है हमने चनों का, सॉरी हमने मकई का सारा पानी निकाल लिया है और मकई देखें कितनी अच्छी सी गली हुई है। और इसके अलावा कुछ लोग इसमें मीठा सोडा डालकर गलाते हैं जो कि बिल्कुल गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह ये गलत तरीका है। तो आपने इस तरह उबाला तो देखें शाइन कितनी है इसमें और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। तो हम इसको प्लेट में लेते हैं, एक प्लेट में डालते हैं कुछ दानों को और मसाला भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह बनाएंगे हम इसका मसाला। बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं छल्ली, छल्ली के दाने। छल्ली खाना थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों के लिए भी और जिनके दांत थोड़े कमज़ोर होते हैं उन लोगों के लिए भी। तो ये दाने निकाल कर आप छल्ली के तो इस तरह बॉईल करेंगे तो आराम से सब खा लेंगे, चनों चम्मच के साथ चनों की तरह। तो ये देखें ये मैंने निकाल लिया है, ठीक है जी, इसको मैंने निकाल लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका मसाला हम किस तरह तैयार करेंगे। ये देखें जी,
ये हमने लिया है काला नमक आधी चाय की चम्मच और सफ़ेद नमक आधी चाय की चम्मच। आधी चाय की चम्मच से थोड़ा सा कम है लाल मिर्च का पाउडर और एक चाय का चम्मच से थोड़ा सा कम है चाट मसाला। तो ये हमने लिया और तमाम चीज़ों को हम इस तरह मिक्स करेंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे और ये हमारा मसाला जो है वो तैयार हो गया है बड़ा ज़बरदस्त सा। ठीक है जी, ये देखें ये हो गया हमारा मसाला तैयार। कुछ गुठलियाँ होती हैं इसमें, आप इस तरह चम्मच की मदद से उसको इस तरह मैश कर लें, अदरवाइज़ नमक जो है ना वो थोड़ा सा मोटा मोटा सा आएगा मुँह में तो वो अच्छा नहीं लगता। तो अब ये जो है ना चाट मसाला ये हम डालते हैं, ये देखें इसके ऊपर छली के दाने के ऊपर इस तरह हम चाट मसाला डाल देते हैं, चाट मसाला या छली मसाला जो भी कह लें। और लीमू काट लिए हैं हमने, इसके ऊपर लीमू निचोड़ेंगे, ये देखें लीमू निचोड़ रहे हैं और ये मैंने लीमू काट के जो है ना ये रखे हुए हैं। ठीक है, एक और निचोड़ देते हैं आधा वाला इस तरीके से। ठीक है जी, ये देखें ये हो गया, अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। वो इसको मिक्स कर रहे हैं हम अच्छा सा, बहुत मज़े की खट्टी खट्टी सी खुशबू आ रही है, मुंह में पानी आ रहा है। और बस ये हमारे चने, सॉरी बार बार चने निकल रहा है मुंह से, छल्ली के दाने जो है ना हमारे तैयार हैं, ये देखें ज़बरदस्त किस्म के। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अच्छी लगी तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दें और वीडियो को एंड तक देखा करें, कमेंट्स करके बताया करें वीडियो कैसी लग रही है और शेयर भी किया करें वीडियो को। तो लाइक का बटन दबा दें और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।